1954 से बड़ी गाड़ियों की दुनिया में टाटा मोटर्स का नाम सबसे ऊपर जगमगा रहा है। 11 साल में ही टाटा मोटर्स ने 1,00,000 संतुष्ट ग्राहकों के दिलों में अपनी जगह बना ली। तेजी से बदलते ग्राहकों और उनकी बदलती जरूरतों के चलते पुणे में टाटा का एक और नया प्लांट और 21 फरवरी 1986 को टाटा मोटर्स की इन गाड़ियों में टाटा 407 नाम का एक और सितारा जुड़ गया। 407 की क्रांति से देश भर में ढेरों कहानियां बन गईं। हमारी कहानी है ऐसे 4 लोगों की जो यहां पहली बार मिलते हैं और अपने सपने बांटकर गहरे दोस्त बन जाते हैं। हमारी कहानी है टाटा 407 के भरोसेमंद साथ की। भैया स्वामी एकदम सच कह रहे हैं, ससुरी हमारी खुपड़िया ना भन्ना रही है। चाचा का ट्रक ना हमारा साला जब देखो तब काम निकाल के धर देता है। नया ट्रक लेने का समय आ गया है मेरे दोस्त। क्या भाई लोग, पिचू का पोस्टर देखा क्या? अरे टाटा का नया ट्रक आ रहा है ना। क्या रावो से बोलता हूँ, धन्यवाद। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये जो आपका ट्रक है ये तो वह पोस्टर वाला नु है? हाँ जी, टाटा दा 9407 बिनन मेहंदा लकी नंबर है जी। लकी नंबर, क्या बात है भाजी, क्या सोच रहे हो यारा? हाँ चलो साथ में लस्सी वस्सी पिए, रोटी शोटी खाएं और उसके बाद मैं अपने इस लकी 407 के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। और भाई कुछ पानी वाणी लस्सी वस्सी लाएगा नहीं लाएगा? जल्दी लेके आ, बड़ी भूख लग रही है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ टाटा मोटर्स है भारत की सबसे बड़ी ट्रक बनाने की कंपनी और मैं हूँ पटियाला दा सबसे चंगा सरदार। तो मैंने ना अपनी पुरानी कमाई से एक नवा टाटा 407 खरीद लिया और कर दिया शुरू अपना ट्रांसपोर्ट द बिजनेस। आज तक तो सब चंगा चल रहा है, ना कोई गड़बड़ ना कोई पंगा, जिसकी वजह से मुझे बार बार रुकना पड़े और मेंटेनेंस भी कम। भैया ये तो रही इनकी बात, बाकी हमारी तो हमारे परम आदरणीय चाचा श्री ने हमसे कहा, भैया विजय कहीं हमारा पुराना ट्रक का चाबी है तुम संभालो और जाओ अपने गांव की फसल को देश के कोने कोने तक पहुंचाओ और हमारे किसानों की भी कुछ तरक्की हो, अब बाकी भगवान की मर्जी। कंस्ट्रक्शन का धंधा बोले तो एकदम टॉप का, और अपुन भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ही करेगा और बहुत नाम कमाएगा। और स्वामी तुसे की करना चाहते हो? मेरे दिमाग में छोटा सा आइडिया जी, लोग घर बदलता, एक शहर से दूसरे शहर जाता, बहुत परेशान होता जी। मैं एक ऐसा बिजनेस चालू करूंगा ना, लोग अपने को फोन करेगा, हम लोगों के घर पर जाएगा जी, सारा सामान पैक करेगा, अपने ट्रक में डाल के उनके नए घर में लेके जाऊंगा जी। कैसा लगा मेरा आइडिया जी? तुम सब ना मेरी तरह टाटा 407 खरीद लो और कर दो अपना धंधा शुरू। और ये सरदार तुम सब से वादा करता है 25 साल में तुम सब अपने अपने धंधे पे राज करोगे राज। तो पक्की बात? पक्की, पक्का। और 25 साल बाद यही इसी जगह पे मिलेंगे, इसी दिन इसी वक्त, और हाँ देखेंगे कि कौन कहाँ तक पहुंचा और किसने कितनी तरक्की की। और हाँ अपना अपना पता एक दूसरे को दे के रखना, क्योंकि एक दूसरे का हाल जानने के लिए अच्छा रहेगा, क्या सही है ना? बहुत चंगा है जी, बढ़िया है। ओए कुड़िये, वो क्या है, चेन नंबर वाली है? हाँ ये तुसी मेनू दे दो, ये रखो। यारा 6 जुलाई 2011 ठीक 25 साल बाद हम चारों यहीं पिशोरी के ढाबे पे मिलेंगे। जी लो अपने सपने, कर लो तरक्की यारा, फिर मिलेंगे हम। टाटा 407 का हाथ थामे चल पड़े ये चारों दोस्त अपने अपने सपनों को साकार करने। यारों
स्वामी आया मां और मैं करता शिफ्टिंग, पूरा पूरा कस्टमर का हाउसिंग, 407 ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शुरू से लेकर टू द एंड। ग्लोबलाइजेशन के चलते तरक्की के रास्ते खुल गए, कच्चे रास्तों की जगह पक्की सड़कें अब देश के हर कोने को जोड़ रही हैं। फसलों में बढ़त, बड़ी बड़ी कंपनियां, कंस्ट्रक्शन में तेजी, सब कुछ ऊंचाई छू रहा है। 407 से दोस्ती करने वालों के लिए इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता था। स्वामी मेरा छोटा बच्चा लोग कृष्णा और रानी, इसमें बैठ कर पीता नारियल पानी, ठंडी गर्मी याओ पोंगल, सब लाइफ में हुआ मंगल। नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द मोस्ट, इसे कब मिलेंगे हम चार दोस्त। उन चारों का 407 आज भी सड़कों पर दौड़ते हुए उन्हें तरक्की की ओर ले जा रहा है। देश के विकास के साथ ट्रांसपोर्टर्स की जरूरतें भी बदलने लगी हैं। उस अकेले महारथी का साथ देने के लिए टाटा 407 के और भी नए ट्रक्स मैदान में उतर चुके हैं। उन सब के साथ इन चार दोस्तों की गाड़ियों का कारवां भी बढ़ता जा रहा है।
6 जुलाई 1986 को ये दोस्त आंखों में सपने और दिलों में विश्वास लेकर पिशोरी के ढाबे से निकले थे। 25 साल बाद ये चारों आज वहीं पर अपनी अपनी कामयाबी की खुशियां बांटने के लिए फिर मिलते हैं। कोई नहीं आया, लगता है मैं ही गधा हूं। और मैं भी। साईं भाई, भाई लोग अपुन भी आ गेला है। ना भाई। विजय भाई, तुम तो बहुत बड़े सेठ हो गए हैं। मोबाइल तुम भी तो कम नहीं, कितने चमक रहे हो तुम। भाई चमकेगा कैसे नहीं, ये तो सब अपुन के टाटा 407 का कमाल है। गुरविंदर पाजी किधर है? लगता है वो नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं बदला ये, अभी वैसा ही है। Notice just watching him bowl over the last couple of games is that he's not driving that back leg through as much as he would normally. And a lot of that's to do with the injury that he has in his groin. क्या यार? उसको कब से फोन लगा रेला मैं? लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा है। There it is, it's always coming, but it's been squirted away for four. ये देखो भाई लोग, इंडिया की टीम यहाँ पे चौके छक्के लगा रही है और अपने टीम का कैप्टन अभी तक नहीं आ रहा है। लगता है वो नहीं आएगा। ओए यारा, ओए आएगा कैसे नहीं? इंदर पाजी, अरे कितना परेशान कर दिया। 25 साल में मिलने का वादा था यारा, जब टाटा 407 ने 25 साल तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो ये सरदार कैसे छोड़ेगा। ओए यारा, बड़े बड़े लोग लग रहे हो तुम तो, हाँ टॉप के बिजनेसमैन। बिल्कुल सच कहा पाजी, ये टाटा 407 का ही आशीर्वाद है कि आज मेरे पास पूरे 25 ट्रक हैं जो कि पूरे देश में अनाज और फसल पहुंचा रहे हैं। आज तुम दोस्तों की वजह से मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस एकदम झमाझम चल रहा है। मेरे पास टाटा 407 की 15 गाड़ी जी पूरे साउथ इंडिया में हाउस शिफ्टिंग का काम टोटल मेरी कंपनी स्वामी इंटरप्राइजेस सबका काम करती जी। और भाई लोग, अपुन ने भी तुमको बोला था कि ये मुन्ना मुंबई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में बहुत पैसा और नाम कमाएगा। अपुन के अंडर में पूरे 50 लोग काम करते हैं। वाहेगुरु की मैं से तुम्हारे इस दोस्त ने भी कुछ कम तरक्की नहीं की है। आज की तारीख में 30 टाटा 407 पंजाब की सड़कों पे फर्राटे से दौड़ रही है। क्या बात है भाजी? छा गए। और तो और एक बड़ी सी कोठी भी खरीद ली है। वो कहते हैं ना, टाटा 407 बिजनेसमैन का लकी नंबर। आज 2011 में टाटा 407 के डीजल और सीएनजी श्रेणियों में 2.2 से 4.2 टन तक के कई ट्रक और बसेस मार्केट में उपलब्ध हैं।